घी में निकाल लेंगे थोड़ा सा घी, तो थोड़ा सा छोड़ देंगे इसमें, एक चमचा समथिंग इसमें नाना छोड़ दिया है, और इसमें गरम है और गरम इसमें डालेंगे एक कटोरी सूजी, इसको रवा बोलते हैं, तो रवा डाल देंगे और कढ़ाई गरम है और इस तरीके से रवे को अच्छे से भून लेंगे। तो रवा अच्छे से भुन गया है, गुलाबी हो गया है, उस तरीके से रवे की कतरी आप बना सकते हैं। और कतरी बनाने के लिए आप इस तरीके से परफेक्ट रेसिपी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा माता रानी के लिए प्रसाद, क्योंकि माता रानी के लिए ही मैं बना रही हूँ प्रसाद के लिए। आप इसमें डाल देंगे पानी, और पानी की क्वान्टिटी परफेक्ट रखनी है, 1 से 1.5 गिलास पानी इसमें डाल दिया है। अब डालेंगे इसमें चीनी और डालेंगे इसमें इलायची, आप चाहें तो इसमें गरी का बुरादा भी डाल सकते हैं, कद्दूकस की हुई गरी, तो गरी मैंने नहीं ली है। और इस तरीके से हलवा परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। मैंने डाली है खुशबू के लिए इलायची। अब मैं ले लेंगे थाली, और थाली में कतली लगाने के लिए इस तरीके से ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने के बाद जो हलवा परफेक्ट बना है, गैस को ऑफ़ कर देंगे और इसको हलवे को थाली में डाल देंगे। गैस को ऑफ़ कर दिया है और उस तरीके से इसको करेंगे ठंडा। ठंडा करने के बाद जब ये पंखे की हवा में इस आधे घंटे के लिए आप रख देंगे, तो ये परफेक्ट अच्छे से ठंडा हो जाएगा और कतली बनकर तैयार हो जाएगी। तो अभी तो गीला है और गीले में ही चाकू से कटिंग कर लेनी है। मैंने बनाई है चने, चने आप बना सकते हैं माता रानी के लिए हलवा चने का प्रसाद। चने की आप वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हैं चने किस तरीके से मैं मसालेदार बनाई है। और चाकू से कटिंग कर लेंगे, कटिंग करने के बाद इसकी कतली बनकर परफेक्ट तैयार हो गई है। और अब कर लिया है इसको मैंने ठंडा, और ठंडा करने के बाद सारी कतली इस तरीके से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं रवे की कतली और चना माता रानी के लिए प्रसाद। हलवे चने का परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। कमेंट में बताइएगा कि कैसा बना है। और इस तरीके से ये हलवा ये ठंडा हो गया है, अब आप परफेक्ट अच्छे से निकाल सकते हैं। सारी कतलियों को अच्छे से निकाल लेंगे, निकालने के बाद सर्व कर लेंगे। तो एक एक करके इस तरीके से बहुत ही आसानी से निकल आता है, एक एक कतली निकाल आइए। तो लीजिए मैंने सर्व कर लिया है। सो गाइस, आपको हलवे की कतरी, रवे की कतरी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरीके से आप सूजी की कतरी बना सकते हैं डेकोरेशन के लिए, आप इसमें गरी का बुरादा डाल सकते हैं और चिरौंजी। तो गाइस, मैंने कुछ भी नहीं लिया है और इस तरीके से मैंने बनाई है नॉर्मल सूजी की कतरी। तो इस तरीके से परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। और आप माता रानी को भोग लगाइएगा, प्रसाद लगाइएगा, और सबको आप सबको प्रसाद दे दीजिएगा, और खुद खाइएगा, सबको खिलाइएगा, बांटिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।